वी विश टू ऑब्टेन ए इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें सीधी इमेज चाहिए, हम चाहते हैं सीधी इमेज बने ऑब्जेक्ट की, और हम एक कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। तो ये जो आपको ये लेंस की तरह दिख रहा है, आप इसको ये माने कि ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पर ये आप सोचें कि ये एक मिरर है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, सपोज दैट ये मिरर, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ ये 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए मिरर से, तो ये 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही हमें रखना होगा अगर हमें कॉनकेव मिरर से सीधी इमेज चाहिए, तो फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी लेस देन 15 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पर। अभी आगे लिखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे, अभी पहले क्वेश्चन समझ लो फिर आंसर पे आते हैं। अभी व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर, ये हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर क्या होगी, यहां पर हम देख पा रहे हैं इमेज ये कैसी है, मिरर के पीछे है, तो ये वर्चुअल इमेज है, मिरर के पीछे बनने वाली इमेज को वर्चुअल इमेज होती है, सीधी है यानी इरेक्ट है, यही नेचर होता है, नेचर ऑफ इमेज, और ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है यानी इनलार्ज है, इनलार्ज इमेज है, ये नेचर हो गया। इमेज लार्ज है कि स्मॉल है, तो हम कह देंगे इमेज लार्ज है, स्मॉल नहीं है, और इसका रे डायग्राम बनाना है। तो अब देखो, अब यहां पर आ जाओ, देखो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये आ गया रे डायग्राम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, वो 0 से 15 सेंटीमीटर पर होगा, यानी फोकस और पोल के बीच में होगा। देखो यहाँ फोकस है और ये पोल है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, पर 0 से 15 के बीच में होगी, क्योंकि हमें फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। यहां मैं लिख सकता हूं बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी हमें 0 से 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सीधी इमेज चाहिए थी, तो ये चीज भी आप जोड़ सकते हैं टू गेट इरेक्ट इमेज, टू गेट इरेक्ट इमेज, ये लाइन में नीचे लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, और हमें इसमें अगर नेचर ऑफ इमेज भी लिखना है तो एक हेडिंग बना करके यहां पे लिख देंगे नेचर ऑफ इमेज। अब देखो इमेज कैसी बनी है, इमेज बनी है वर्चुअल, कैसी है, पहला पॉइंट हो जाएगा कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा वर्चुअल इमेज है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है, तो हम कह देंगे इनलार्ज इमेज, और कैसी है, सीधी बनी है, तो इरेक्ट। तो ये पॉइंट हो गए नेचर ऑफ इमेज के बारे में, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, और जो डायग्राम है रे डायग्राम वो आप ये देख ही रहे हो, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है।